हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे आपके लोकप्रिय चैनल शिपिंग इनबॉक्स में। घोघा हजीरा रोप एक्सफेरी सर्विस की अप्रीतम सफलता के बाद केंद्र सरकार जलमार्ग के मुसाफिर परिवहन की और एक सेवा नागरिकों के लिए उपलब्ध कराने वाली है। सूरत के हजीरा पोर्ट से मिनी गोवा कहने वाले और सहलगाहों की प्रिय जगह दीव के बीच में 31 मार्च से क्रूज पैसेंजर शिप का प्रारंभ हो रहा है। केंद्रीय शिपिंग मंत्री मनसुख मांडविया यह क्रूज सेवा का वर्चुअली उद्घाटन करने वाले हैं। जय सोफिया नाम का ये छोटा पैसेंजर क्रूज हजीरा और दीव के बीच में शुरू हो रहा है। यह शिप इससे पहले हजीरा और मुंबई के बीच चलाने की घोषणा की गई थी, लेकिन आम जनता के लिए लोकार्पित होने से पहले इसे बंद करने का फैसला लिया गया था। हजीरा से दीव का यह सफर 130 दरियाई माइल का है और यह शिप 14 घंटों में यह दूरी तय करेगा। यह शिप में 300 मुसाफरों की क्षमता है और 16 केबिने भी शामिल है। टिकट का रेट 900 रुपीज सामान्य मुसाफरों के लिए रखा गया है। यह फेरी शिप हर सप्ताह सोमवार और बुधवार को शाम के समय हजीरा से चलेगी और दूसरे दिन सुबह में दीव पहुंचेगी। उसी दिन शाम को दीव से यह शिप चलेगी और दूसरे दिन सुबह में हजीरा को आ जाएगी। इसके अलावा यह जहाज सूरत के नागरिकों को शुक्रवार, शनिवार और रविवार को सूरत हाईसी में मुसाफरी के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। निश्चित तौर पे ये मुसाफरों के लिए हजीरा और दीव के बीच की यह क्रूज सेवा अच्छी साबित हो सकती है, लेकिन यह सेवा से जुड़े कुछ प्रश्न भी मुसाफरों के मन में उठ रहे हैं। जैसे कि मार्च 2021 के अंतिम सप्ताह से दीव में कोविड के चलते कड़े नियम लागू किए गए हैं। क्या हर मुसाफिर को कोविड का टेस्ट कराना आवश्यक होगा? शिप हजीरा से शाम को चलता है और पूरी रात जल परिवहन करने के बाद दूसरे दिन सुबह को दीव पहुंचता है। जहाज में 300 मुसाफरों की क्षमता है, लेकिन केबिन सिर्फ 16 है। पूरी रात मुसाफिर कैसे काटेंगे? जहाज सूरत के हजीरा बंदर से चलने के 10 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद गुजरात की जल सीमा के बाहर जा सकेगा। ऐसे में पुलिस, कस्टम और संलग्न प्रशासन के लिए जहाज पे प्रोहिबिशन के नियमों का पालन करवाना कठिन हो सकता है। शिपिंग सेक्टर के रोचक तथ्यों को लेकर अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। हाँ, सेफ रहे और सुरक्षित रहे। शब्बा खैर।